मंडल विभाग की। मंत्र विभाग, दर्शकों मंत्र विभाग में आज मैं आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसमें किसी भी कुंडली में यदि सूर्य द्वितीय स्थान में होता है, दूसरे भाव में होता है, तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है, धनगत दीन नाथ हो पुत्र दारिना कृषि तनुरति दीनो रक्त नेत्रो कुकेश भवती चन युक्तो सत्यम नवती गृह मेधो मानवो दुख भागी। अर्थात जिस कुंडली में सूर्य द्वितीय स्थान का भावेश होता है, द्वितीय भाव का स्वामी होता है, ऐसा जातक पुत्र और पत्नी से रहित होता है, यानी कि ऐसे जातक की अविवाहित रहने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही ऐसा जातक कृश तनुरति दीनो रक्त नेत्रों को केशी, ऐसा जातक कृश शरीर वाला होता है, रुष्ट पुष्ट नहीं होता। ऐसे जातक के केश अव्यवस्थित होते हैं और ऐसे जातक की आंखें बहुत जल्द लाल हो जाती है। और ऐसा जातक भवती जलन युक्तो सत्यम न भवती ग्रह मेदो मानव दुखवादी, अर्थात ऐसा जातक धनवान होता है, एक से ज्यादा घर का वो मालिक होता है, फिर भी ऐसा जातक अपने स्वयं के घर में नहीं रहता, किसी दुख के कारण उसे अन्य स्थल पर आश्रय लेना पड़ता है। दर्शकों जन्म कुंडली में स्थित सूर्य के द्वितीय भाव में होने पर आज बताया गया फल कथन शेष ग्रहों की स्थिति पर भी आधार रखता है, शेष ग्रहों के आधार पर इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशिफल बताया, मनवांछित जीवन साथी वर या वधु के रूप में प्राप्त करने का उपाय बताया, विशेष में आज हमने शुक्र और उससे संबंधित व्यवसाय के बारे में जाना, मंत्र विभाग में आज हमने ऐसे मंत्र के बारे में जाना जिसमें चंद्र कुंडली में यदि सूर्य द्वितीय स्थान का भावेश होता है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी बातें आपको दैनिक जीवन में वास्तविक रूप में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं भावेश विजय कुमार दवे आप सबकी आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।